नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। उत्तर प्रदेश की खबरों का रुख करेंगे। उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में आज विधानसभा चुनाव का नगाड़ा बज चुका है। कोरोना की चुनौतियों, ओमिक्रॉन के बढ़ते खतरे के बीच चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव की तारीखों की घोषणा कर दी है। चुनाव आयोग ने 10 फरवरी से चुनावों की घोषणा की है, जिसमें यूपी में 7 चरणों में, मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होंगे। इसके अलावा पंजाब, गोवा, उत्तराखंड में 1-1 चरण में चुनाव कराया जाएगा। ऐसे में चुनाव आयोग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार इस बार देश के 5 राज्यों में होने वाले चुनाव में 18.3 करोड़ मतदाता चुनाव में मतदान करेंगे। आपको बता दें कि आज शनिवार को चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी लागू हो चुकी है। वहीं इस बार इन 5 राज्यों में सख्त कोरोना प्रोटोकॉल के साय में विधानसभा चुनाव होंगे। चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि कहां कितने चरण में चुनाव होने जा रहे हैं। तो यूपी में 7 चरणों में चुनाव होंगे। पहला चरण 10 फरवरी को होगा। उत्तर प्रदेश में 7 चरण में चुनाव होंगे। दूसरा चरण उत्तर प्रदेश में 14 फरवरी को होगा, यानी कि 14 फरवरी को दूसरे चरण में मतदान होंगे। फिर 20 फरवरी को तीसरे चरण का मतदान उत्तर प्रदेश में होगा। इसके अलावा बात करें चौथे चरण की, तो चौथे चरण का मतदान 23 फरवरी को होगा। इसके अलावा पांचवें चरण का मतदान 27 फरवरी को होगा। ये उत्तर प्रदेश के चुनावों की बात कर रहे हैं, क्योंकि 7 चरण में चुनाव होने वाले हैं। इसके बाद छठे चरण की बात करें तो 3 मार्च को छठे चरण के लिए मतदान किया जाएगा। सातवें चरण की बात करें तो 7 मार्च को सातवां चरण होगा और इसी के साथ चुनाव उत्तर प्रदेश में खत्म हो जाएंगे। वहीं मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। पहला चरण 27 फरवरी को होगा मणिपुर में और दूसरा चरण 3 मार्च को होगा, यानी कि 3 मार्च को मणिपुर में चुनाव खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा बात करेंगे हम पंजाब, उत्तराखंड और गोवा की, वहां 1-1 चरण में होगा और 14 फरवरी को इन तीनों ही जगहों पर, तीनों राज्यों में चुनाव होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें 10 मार्च को चुनावों के नतीजे आ जाएंगे, यानी 10 मार्च वो तारीख है जब इन 5 ही राज्यों के चुनावों के नतीजों का ऐलान किया जाएगा। पीएम मोदी की सुरक्षा को लेकर सपा के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी की सुरक्षा में चूक नहीं, सिर्फ इत्तेफाक हुआ है। और क्या कुछ कहा बर्क ने, आप भी सुनिए। और रहनी चाहिए उनकी तो, उनका जो राइट है, सुरक्षा का जो राइट है, गवर्नमेंट के जो आईन के एतबार से जो हमारा लॉ है और कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके हिसाब से जो गवर्नमेंट ने उसने उस लॉ के अंदर जो सुरक्षा रखी है वो उनको प्रोवाइडेड है। नहीं, पंजाब में जो हुआ ऐसा बवाल मचा हुआ है, ये तो उनका हादसा हो गया, कैसे हो गया ये तो वो जाने, हम इसमें कुछ नहीं दखल दे सकते। कानपुर शहर के निराला नगर रेलवे मैदान में जहां 2022 व्यापारी सम्मेलन के कार्यक्रम का आगाज हुआ, वहां आपको बता दें इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल पहुंचे। प्रदेश सरकार में मंत्री नंद गोपाल नंदी के द्वारा 2022 व्यापारी सम्मेलन का आयोजन किया गया था। मंच पर कैबिनेट मंत्री सतीश महाना, सांसद सत्यदेव पचौरी, MLC सलील विश्नोई, अरुण पाठक, मेयर प्रमिला पांडे समेत दर्जनों बीजेपी के कार्यकर्ता और नेता वहां पर मौजूद रहे। कार्यक्रम में देश के मशहूर गायक कन्हैया मित्तल, बांधन समा भी शामिल हुए। मुरादाबाद जनपद के मुंडा पांडा क्षेत्र के राजेंद्र इंटर कॉलेज में भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम लिहाफ कंबल वितरण के कार्यक्रम में पहुंचे मुख्य अतिथि के रूप में, जिसके चलते भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं नेताओं ने राज्यसभा सांसद जफर इस्लाम का फूल मालाओं से जोरदार भव्य स्वागत किया। आपको बता दें कि लिहाफ वितरण कार्यक्रम में पहुंची जनता को सांसद जफर इस्लाम ने संबोधित करते हुए भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के बारे में जानकारी दी और नीतियों के बारे में लोगों को बताकर जागरूक भी किया। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, हर कार्यकर्ता का दायित्व एक ही है कि समाज की सेवा करना है। आज भी
जो प्रोग्राम यहाँ पर डॉक्टर राकेश सिंह जी ने ऑर्गेनाइज़ किया है, इस समाज में जो कंबल वितरण में जो गरीब लोगों को इस मौसम में शीतलहरी में कहीं ना कहीं उनके काम आने के लिए आज उन्होंने रजाई और कंबल वितरण करने का जो प्रयास किया है, उनके हाथ को बटाने के लिए मैं आज यहाँ पर आया हूँ। साथ साथ और भी कई प्रोग्राम है हमारे, इसलिए कि मैं DM से मिला और चीफ मेडिकल ऑफिसर से मिला, इसलिए कि ओमिक्रॉन बढ़ता जा रहा है तेज़ी से। यूपी विधानसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां अपने अपने विकास की गाथाएं गा रही हैं, जिसको लेकर न्यूज वर्ल्ड इंडिया की टीम ने 361 सदर विधानसभा का जायजा लिया, जहां सदर विधानसभा से बीजेपी के सदर विधायक आनंद स्वरूप शुक्ला उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी हैं, लेकिन मंत्री होने के बाद भी सदर विधानसभा में विकास के नाम पर जीरो काम हुआ है। कहीं सड़कें टूटी फूटी हैं तो कहीं सड़कों पर जल जमाव है। सड़कों पर जल जमाव होने से तमाम गाड़ियों को आने जाने में कितनी मुश्किल झेलनी पड़ती है, ये तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है। तो ऐसे में वहीं आपको बता दें कि दूसरी तरफ बड़े-बड़े नाले बनाए गए थे, जिसके हालात अब बद से बदतर हो गए हैं। नालियां पूरी तरह से गंदे पानी से भरी हुई हैं। इस गंदे पानी का कोई भी अभी तक निकासी के लिए रास्ता नहीं बनाया गया है और ना ही कभी इसको साफ किया गया है। वहीं जिला अस्पताल की बात करें तो जिला अस्पताल में दवाओं का हमेशा अभाव रहता है, जिसको लेकर डॉक्टरों ने बाहर की दवा मरीजों को लिखने पर अब वो बेबस होते हुए नजर आते हैं। मेरठ में नगर निगम के वार्ड नंबर 88 स्थित मेवगढ़ी मस्जिद नगर निवासी तैयब की पत्नी शाबरा पार्षद हैं। गुरुवार की रात में जुनैन निशा पत्नी लियाकत अपने आधार कार्ड का वेरिफिकेशन कराने के लिए पार्षद के घर पर पहुंची थी, जहां पर पार्षद ने उसे वेरिफिकेशन करने से मना कर दिया, जिसके बाद उनकी कहासुनी हो गई और कहासुनी के चलते पार्षद के बेटे दानिश ने अपने साथियों के साथ मिलकर जैनू निशा के साथ मारपीट कर और छेड़छाड़ भी उसके साथ की। वहीं मारपीट की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल की, जिसके बाद दोनों ही पक्षों ने थाने में पहुंचकर एक दूसरे के खिलाफ तहरीर लिखवा दी। CO कोतवाली अरविंद चौरसिया का कहना है कि दोनों पक्षों की ओर से तहरीर दी गई है, थाना प्रभारी को जाँच कर कार्रवाई करने का निर्देश दे दिया गया है। मेरे क्या नाम है, नीचे घेर के दे घुसम घासी करी मेरे साथ। किसने? तैयब का लड़का। जो कौन है तैयब? ये तैयब सवसद है पार्षद। अच्छा, तो क्यों मारपीट की इन्होंने? मैं आधार कार्ड पे एक उसके लेटर पैड पे एक मोहर लगवाने गई थी मैं। हाँ। उसके ऊपर उन्होंने कह दिया मैंने लगाते यहाँ से, मैंने तो आप कागज मुझे दे दो, मैं और जगह लगवा लूँगी। तो इस बात के ऊपर नु चले जाए गाली गुप्पड़ करी मार छेद करी मेरे साथ इतनी बुरी तरह। इसके लड़का था दानिश और छोटा वाला दानिश सा। बीजेपी के धामपुर विधायक अशोक राणा ने अपने निजी स्कूल में महिला सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया। आयोजन करते हुए महिलाओं को सम्मानित करने का काम भी किया गया। इस सम्मान समारोह में भारी संख्या में महिलाओं ने पहुंचकर हिस्सा लिया। इस सम्मान समारोह में आशा वर्कर और समूह सदस्य महिलाएं सहित आंगनबाड़ी महिलाएं शामिल हुई। आपको बता दें कि धामपुर के बीजेपी विधायक अशोक राणा ने बताया कि उनके पिताजी की पुण्यतिथि के अवसर पर उन्होंने अपने निजी स्कूल से महिलाओं को सम्मानित करते वे उनको सम्मान देने का काम किया और इस अवसर पर 16,000 से ज्यादा महिलाओं ने इस कार्यक्रम में भाग लेकर उनका उत्साहवर्धन भी किया। ये एक्चुअली मेरे सुन के पिताजी के नाम पे मास्टर होल्सिंग मेमोरियल ट्रस्ट हम लोगों ने बना रखा है, जिसमें वक्त वक्त पे हम गांव शहर की गरीब महिलाओं की सहायता करने के उद्देश्य से उनके उत्साहवर्धन के लिए तरह तरह के कार्य करते रहते हैं। चाहे गरीब बेटियों की शादी जब सरकार की तरफ से भी शुरू नहीं हुई थी, पिछले विधायक कार्यकाल 2007 से 2012 के बीच में। और यहाँ पर रुकेंगे एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए न्यूज वर्ल्ड इंडिया। वेदांता एक ऐसा शैक्षिक संस्थान जहाँ होता है बेहतर शिक्षा का सही समाधान। सिविल सर्विसेज एग्जाम हो या फिर
डिफेंस सर्विस एग्जाम यहां सिविल शिक्षा की बारीकियों से रूबरू कराती अर्चना यादव कपूर। इस इंस्टीट्यूट को देहरादून में पॉपुलरली वेदांता IAS अकेडमी के नाम से जाना जाता है। इंस्टीट्यूट की स्थापना हमने 2006 में करी, उसके बाद निरंतर यहाँ से कई छात्रों ने अपनी तैयारी करी और सफलता प्राप्त करी। जो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं या फिर जो उत्तराखंड की महिलाएं हैं उनके लिए हमने कुछ सीट्स रिजर्व करी हैं, ताकि किसी भी वजह से कोई भी बच्चा, कोई भी छात्र IAS जैसी एग्जाम की तैयारी या PCS जैसे एग्जाम की तैयारी से वंचित ना रह जाए। हमारे संस्थान से शिक्षा पाकर कई बच्चे UP और उत्तराखंड सरकार के अलग अलग विभागों में उच्च स्तर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। My name is Himani Pathak and I qualified PCS, UK PCS 2012 and I am currently serving as Assistant Commissioner for Cane and Sugar Department and I just want to express my gratitude and wishes to Amit sir and Arshna ma'am for their venture Vedanta. And I just Good afternoon everyone, my name is Shivani Tripathi. I'm posted as Assistant Commissioner State Tax with Government of Uttarakhand. When I started preparing for civil services, I joined Vedanta under the guidance of Amit Kapoor sir. तो फिर देर किस बात की, आज ही लीजिए एडमिशन और कीजिए अपना IAS PCS का सपना साकार। वेदांता एन एक्सक्लूसिव IAS इंस्टीट्यूट ऑफ देहरादून उत्तराखंड, 11A नींबूवाला अपोजिट RIMC मेन गेट गढ़ी कैंट देहरादून, मोबाइल नंबर 9319700579। At GLA University, we make the way. We inspire. We are a family bound by a common bond. We lead. We innovate. The record breakers. The chair makers. The dreamers. GLA University, whether the goal is to get a job or to create a job. अगर आप हैं किडनी जैसे गंभीर बीमारी से परेशान तो मत होइए हैरान। नोएडा में स्थित है पश्चिम उत्तर प्रदेश का एकमात्र ऐसा डायलिसिस रिसर्च सेंटर जो आपको करता है आधुनिक तकनीकी से भरपूर चिकित्सा सेवा प्रदान। जी हाँ, रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर ही तो है जो अस्पताल के अलावा घर पर भी डायलिसिस की बेहतरीन सुविधा बहुत कम खर्च पर उपलब्ध कराता है। ये सब होता है विश्वसनीय चिकित्सा विशेषज्ञ डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट की निगरानी में। डॉक्टर अनिल प्रसाद भट्ट विश्व प्रसिद्ध ऐसे डॉक्टर हैं जो बड़े बड़े चिकित्सा संस्थानों में न जाने कितने लोगों को नई जिंदगी दे चुके हैं। तो घबराएं नहीं, किडनी जैसी गंभीर बीमारियों का डटकर सामना करें और रीना केयर डायलिसिस रिसर्च सेंटर में अपना किडनी का इलाज कराएं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, रुक करेंगे कुछ और खबरों का। गोरखपुर में गीड़ा सेक्टर 13 के पास क्रेजी बिस्किट फैक्ट्री में आग लग गई जिसमें कई लोग झुलस गए। हालांकि फैक्ट्री से करीब 100 मजदूरों को सकुशल बाहर भी निकाल लिया गया। थाना गीड़ा अंतर्गत सेक्टर 13 के क्रेजी बिस्किट फैक्ट्री का पूरा मामला है। वहीं घटना के बाद अग्निशमन बल के जरिए आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया। साथ ही आपको बता दें कि मौके पर SSP और CFO गोरखपुर मौजूद रहे थे। चार बज के 35 मिनट पे फायर सर्विस का जो कंट्रोल रूम गोल घर है इसको आग की सूचना मिली। सूचना मिलते ही गीड़ा में फायर स्टेशन जो स्थापित है वहाँ पर सूचना दी गई। वहाँ से दो गाड़ियाँ प्रस्थान तुरंत हुई हैं घटनास्थल के लिए, जो एकदम पास में शीघ्र पहुँच गई और फैक्ट्री की आग को देखते हुए सूचना पहले से मिली थी कि काफ़ी आग बड़ी है और काफ़ी लोग उसमें फंसे हुए हैं, जिसको देखते हुए गोल घर से भी एक साथ चार गाड़ियाँ प्रस्थान हुई। साथ में मैं भी गोलघर से घटनास्थल के लिए प्रस्थान हुआ। मौके पर जाके देखा तो आग काफी फैली थी। फायर सर्विस की जो गीड़ा की यूनिट थी वो आग बुझा रही थी। वहीं फरुखाबाद में दीपक की चिंगारी से घर में भीषण आग लग गई जिससे लाखों का सामान जलकर राख हो गया। पांचाल घाट चौकी से चंद कदम की दूरी पर तेल व्यापारी के घर पर ये आग लगी थी, जिसके बाद घर वालों ने आग लगने के बाद छत से कूदकर अपनी जान बचाई। हालांकि आपको बता दें कि आग लगने से इलाके में खड़कंप मच गया। वहीं लोगों ने दीपक की चिंगारी से
घर पर आग लगने की वजह बताया है। तेल और किराने के थोक विक्रेता व्यापारी हरिकृष्ण के घर पर बड़ी मात्रा में सामान भी स्टॉक में रखा हुआ था। वहीं सूचना के बाद पहुंचे फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। शहर कोतवाली क्षेत्र के टावा बरेली हाईवे पर गंगा ढाबा के पास गाँव भगवा कैपुरा मामला बताया जा रहा है। रामपुर में रोड किनारे एक युवक का शव मिलने से हड़कंप मच गया। आपको बता दें, मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं मृतक के भाई ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। मामला रामपुर के थाना शाहबाद क्षेत्र के गांव परौता का है, जहां ओमपाल नाम का युवक का शव मृत अवस्था में मिला था, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। वहीं इसकी सूचना क्षेत्रीय पुलिस को दी, जिसके बाद क्षेत्रीय सीओ पहुंचे, जहां बारीकी से जांच पड़ताल की गई। वहीं आपको बता दें कि मृतक ओमपाल के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए तो भेज ही दिया गया है अस्पताल में। ना कोई नहीं है, आप उसका विवाद था, मियाँ बीवी में चल रहा। फिर तो मेरा छोटा भाई था वो। क्या नाम था उसका? ओमपाल सिंह। क्या करते थे ये? कुछ नहीं, खेती किसानी करते हैं। विवाद क्या था? विवाद कुछ नहीं था, आपस में ही वही झगड़ा हो जाता, छोटा मोटा हो ही जाता है मियाँ बीवी में। उसके बाद क्या कहते हैं, कोई बात नहीं है, वो अपने लड़ पड़े। लड़ने के बाद उसके मैके वाले आए। ये लड़का कब लड़े थे ये? इसे हो गए करीब 5-6 महीने हो गए। अच्छा, 5-6 महीने वो लिवा कर ले गए। लिवा कर ले गए उसके बाद क्या कहते हैं, फिर वो वहाँ से फ़ोन करते हैं इसे कि हम तुझे जान से मरवा के तब आएंगे। उसकी बीवी फ़ोन करती है, वो भी फ़ोन करते हैं कि हम दरोगा जी से भी मिल चुके हैं तेरे यहाँ। वहीं आगरा में भी न्यू ईयर पार्टी मनाने गए एक नाबालिग का 7 दिन बाद शव मिला है। आपको बता दें कि ताजगंज कलाल खेडिया का रहने वाला मृतक बताया जा रहा है, और कलाल खेडिया में पोखर में ये उसका शव मिला। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया। ताजगंज थाना क्षेत्र के कलाल खेडिया का पूरा मामला बताया जा रहा है। मेरा भाई 1 तारीख को गायब हुआ था, 3 तारीख को। कितने बजे करीब? एक स्वैसी गायब था। अच्छा, जो उनके दो दोस्त थे। अच्छा, उनके साथ नहीं था, बट शाम को वो बोल रहे थे हमारे साथ में 10 बजे तक था, पर हमें पता नहीं 10 बजे तक था या रात को 10 बजे तक। हाँ, रात के 10 बजे तक। अच्छा, फिर हमने उनसे पूछताछ करी थी, कंप्लेन भी कराई थी। अच्छा, ढूंढते रहे आप? हाँ सर, चारों तरफ ढूंढा था, उनकी कंप्लेन भी कराई थी। कहाँ पर? जिकलाल की रेत तोरा चौकी पे भी कराई थी कंप्लेन, कराई थी हमने। कुछ हर रोज शिकायत दर्ज कराने जा रहे थे सर हमारे, कुछ मतलब पता चला। बलिया में गंगा के छारण में भी एक शव मिला है। आपको बता दें कि खेतों की रखवाली कर रहे किसानों ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर स्थानीय पुलिस पहुंची। नरही थाना क्षेत्र के सोहांग गांव के पास का पूरा मामला बताया जा रहा है। यूपी के पीलीभीत जनपद में विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर युवक से लाखों रुपए के ठगी करने का मामला सामने आया है। आपको बता दें कि युवक के फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कराकर वीजा बनवाकर उसे नौकरी का झांसा देकर उसे विदेश तो भेज दिया गया, लेकिन युवक जब विदेश पहुंचा तो उसे पता चला कि उसका वीजा सिर्फ विजिट वीजा था, जिस वजह से उसे निराश होकर भारत वापस आना पड़ा। ऐसे में लाखों रुपए की ठगी के शिकार हुए पीड़ित युवक ने मामले की शिकायत सीओ को तहरीर देकर। आपको बता दें कि विदेश में नौकरी दिलाने का झांसा देकर वीजा बनवाने के नाम पर युवक से लाखों रुपए ऐंठ लिए गए हैं। इंग्लैंड जाने पर उसको विजिट का वीजा दिया गया और इस पर वो वापस भारत आ गया, रुपए की मांगने पर जान से मारने की धमकी दी। वहीं जिसके बाद पीड़ित ने कोतवाली पुलिस को तहरीर दी, लेकिन पुलिस ने उसे टरका दिया। ऐसे में सीओ को पत्र देकर अब कार्रवाई की मांग ये युवक कर रहा है। समस्या हमारे साथ फ्रॉड हुआ है बहुत तगड़ा, और कुलवंत सिंह और मुलकीत सिंह उनका नाम है, और इन लोगों ने हमें एक स्टेटमेंट दी थी निकलवा के, हमें एक चेक दिया था फ्रॉड। क्या फ्रॉड किया है आपके साथ? हमारे साथ इन लोगों ने विदेश भेजने के नाम पर बहुत तगड़ा फ्रॉड किया है। लगभग कितने लाख रुपए की ठगी हुई है आपके साथ? 20 लाख की। जिन लोगों ने ठगी की है वो लोग कहाँ के रहने वाले हैं? ये ढूंढा के
सहारनपुर में बाइक सवार तीन बदमाशों ने थाना रामपुर मनिहारन क्षेत्र के गांव सिडौली दुलीचंदपुर निवासी ढाबा स्वामी सुरेंद्र सैनी को पॉलिथीन नहीं देने पर गोली मार दी, जिसके बाद सूचना पाकर मौके पर थाना रामपुर मनिहारन पुलिस पहुंची और पुलिस ने गंभीर रूप से घायल सुरेंद्र सैनी को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहां से उनको एक दिल्ली रोड स्थित प्राइवेट हॉस्पिटल में रेफर कर दिया गया। वहीं घायल सुरेंद्र की बेटी ने जानकारी देते हुए बताया कि हीरो स्प्लेंडर बाइक पर हमलावर सवार थे। लखीमपुर खीरी में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला, जहां पर एक गाड़ी ने मोटरसाइकिल सवार को टक्कर मार दी। मौके पर दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई और चार लोग जख्मी हो गए हैं, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। आपको बता दें मोहम्मदी कोतवाली क्षेत्र के शंकरपुर चौराहे का मामला है। सहारनपुर के थाना बेहद पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आपको बता दें कि बेहद पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाले दो अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, साथ ही गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे से अवैध हथियार और हथियार बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। ऐसे में विधानसभा चुनाव भी अब बेहद नजदीक है और उसको लेकर पुलिस पूरी तरीके से सतर्क है। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराए जाए, इसके लिए हर थाना क्षेत्र में पुलिस अलर्ट है और उसी के तहत सहारनपुर की थाना बेहद पुलिस ने हथियार बनाने वाली एक मिनी फैक्ट्री को पकड़ा है, जहां से हथियार बनाने वाले दो अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया गया है। रामपुर में कोरोना की तीसरी लहर का असर देखने को मिल रहा है, जिसके तहत मुख्य चिकित्सा अधिकारी भी पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं सीएमओ में कोरोना की पुष्टि होने के बाद वो क्वारंटीन हो गए हैं। वहीं उनके सहित 42 लोगों के अंदर भी कोरोना के लक्षण पाए गए हैं। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसके उपचार के लिए जिला अस्पताल में मुकम्मल तैयारियां की गई हैं। वहीं लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। यूपी के पीलीभीत जनपद में लगातार कोरोना की तीसरी लहर को रोकने के लिए शासन प्रशासन प्रयासरत है। वहीं कोविड नियमों का पालन करने के दावे पेश किए जा रहे हैं, लेकिन विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी सीट पर नेता शक्ति प्रदर्शन करने से बाज नहीं आ रहे। ताजी तस्वीरें यूपी के पीलीभीत जिले के पूरनपुर विधानसभा से हैं, जो कि बीते दिन की है, जहाँ बीजेपी के दावेदार नेता जिला महामंत्री लेखराज भारती ने बाइक रोड शो निकालकर खुलेआम लोगों को कोरोना जैसी महामारी बांट दी। ताज नगरी में बारिश के बाद घना कोहरा छाया रहा। आपको बता दें कि बारिश के बाद लोग घरों में कैद हो गए। लगातार तीसरे दिन भी धूप नहीं निकली, जिस वजह से सर्दी और ज्यादा बढ़ गई और तापमान में भी गिरावट हो आई है। इसके साथ ही आपको बता दें कि शीत लहर ने और ज्यादा सर्दी बढ़ा दी है, जिससे लोग घरों में दुबकने के लिए मजबूर हैं। वहीं सहारनपुर में भी दिन की शुरुआत मौसम के बिगड़े मिजाज से हुई। मौसम की बदली करवट से सुबह से ही तेज बारिश बादलों की गड़गड़ाहट से मौसम सुहाना हो गया, जहां एक और राहगीरों ने रैन बसेरों का सहारा लिया तो वहीं सुबह से ही सड़कों पर सन्नाटा रहा। हल्की बरसात ने लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया। हालांकि थोड़ी देर के लिए सूर्य देव के दर्शन तो हुए, लेकिन लोग जरूरी काम के लिए बाहर भी निकले और गर्म कपड़ों में पैक होकर ही निकले। वहीं सर्द हवाओं से लोगों की कपकपी भी छूटती रही। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।